हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi 5A डिवाइस के लिए 10.3.2.0 का अपडेट जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिले हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। जब ये अपडेट आया था तो उसका मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि अपडेट आया नहीं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे जो डिवाइस है वो है Redmi 5A डिवाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन इसमें ओरियो हो चुका, क्योंकि ये ओरियो का अपडेट आपको मिल चुका, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर अभी तक ये अपडेट आपके डिवाइस में नहीं मिला है तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। इंस्टॉल कैसे करना वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो में मैं इसका भाई फुल रिव्यू देने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं MIUI ग्लोबल 10.3.2. यहां पर लिखा स्टेबल 10.3.2.0 जो कि ओरियो बेस्ड है। रेडमी 5A डिवाइस पहले फिर दोबारा दिखा देता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इस अपडेट में आपको क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं मैं बताने वाला। अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, और आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो इसके ऊपर मैं और वीडियोस भी लाने वाला हूँ कि कुछ हिडन फीचर्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, बैटरी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो चलिए यार बिना वक्त के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं बता दूं भाई, अगर आपको भाई वॉलपेपर चाहिए तो वॉलपेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके भाई डाउनलोड कर लेना। और साथ ही साथ अगर भाई आपको ये थीम चाहिए तो थीम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे अबाउट फोन में, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ मॉडल नंबर रेडमी 5A के ठीक ही नीचे लिखा है 8.1.0 जो कि एंड्रॉइड है, यानी कि ओरियो वर्जन। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें अपडेट में आपको ओरियो देखने को मिल चुका है। और ये जो अपडेट आया था 1.5 GB का आया था, कुछ डिवाइसेज में 229, किसी डिवाइस में भैया 524, ऐसे कुछ अपडेट आए थे वो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ 1.5 GB का अपडेट आपको देखने को मिला था जो कि 10.1.1.0 पे, यानी कि नौगट पे थे। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाऊँगा, फिर दोबारा एक और बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा वर्जन है 10.3.2.0 हो चुका है। तो इसमें आपको क्या क्या नई फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर आपको ओरियो अपडेट देखने को मिल जाता है, ओरियो का अपडेट इस अपडेट में आपको मिल गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो जून का देखने को मिल गया, क्योंकि भाई जून का ये लास्ट बीटा में था, क्योंकि भाई बीटा में जो भाई जुलाई का अपडेट नहीं आया, वरना आपको जुलाई का भी देखने को मिला था, लेकिन भाई जून का सिक्योरिटी पैच दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो पहले होम स्क्रीन की बात कर लूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको गेट ऐप्स देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर ऐप्स था, लेकिन अब यहाँ पर गेट ऐप देखने को आपको देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर ऐप देखा था, आप गेट ऐप देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा रीनेम किया गया। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको MI Pay देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ बहुत से लोगों को मैं ये आ गया होगा, लेकिन भाई जिनके में नहीं आए तो यहाँ पर MI Pay दे दिया गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको यूज़ करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको MI1 क्रेडिट देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और बाकी यहाँ पर हम चलते सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या नया देखने को मिला है। यहाँ पर हम जाएंगे सिम कार्ड में, तो यहाँ पर आपको कोई डुअल 4G का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये कि भाई आपका जो वोल्टी वगैरह है वो सही तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मैं एक बार कॉल लगा के आपको दिखा देता हूँ 198 पे। तो यहाँ पर आप जैसे मैं जैसे Jio पे कॉल लगाता हूँ, तो यहाँ पर हमारी जो कॉल है वो कनेक्ट हो जाएगी, ये देख सकते हो आप। तो हमारा जो Jio का सिम है वो सही तरह से वर्क कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी डिवाइसेस में वर्क करेगा। यानी कि जितने भी इस लोग जो भी लोग इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे, सभी डिवाइसेस में ये वर्क करेगा। जिन भी लोगों को भाई वोल्टी प्रॉब्लम आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब वोल्टी का, जिन लोगों को वोल्टी का प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी हम अबाउट में जाएंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ भाई यहाँ पर क्या क्या और नया देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लिखा था, यहाँ पर अपडेट सिक्योरिटी पैच किया गया है। दूसरी चीज़ भाई, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये मैं जो ये लिखा यार, इसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं यार, इसकी मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं ढूंढूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने ढूंढी नहीं है, जो चीज़ मैंने ढूंढी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते भाई, यहाँ पर डाटा यूजेज में यहाँ पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप मोर में जाओगे तो मोर में आपको यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी चेंज की गई है। यहाँ पर थोड़ी सी अलग सेटिंग कर दी गई है, पहले ये कुछ सेटिंग यहाँ पर नहीं थी, तो ये अपडेट में चेंज किया गया। डिस्प्ले में आप जैसे जाओगे तो डिस्प्ले में आपको जैसे यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका जो UI है यार, ये चेंज नहीं किया गया भैया, पता नहीं क्यों यार। ये जो UI है ये पुरानी वाला है, अगर आपको पता होगा, अगर आपने बीटा रोम अगर आप वीडियो देखते हो बीटा का, तो उसमें यार ये जो UI ये पूरा चेंज है, लेकिन यार इसमें चेंज नहीं किया गया, पता नहीं यार ये क्यों। ये तो ये भाई बहुत बुरी बात हुई, पता नहीं भाई यार क्यों चेंज नहीं किया गया। बाकी आप इसको कूल वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको रेस टू वेक का ऑप्शन भी नहीं दिया। वॉलपेपर में आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलपेपर की जगह भाई ये यहाँ पर खुलता है, थीम ऐप में खुल जाता, तो यार ये अलग चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप वॉलपेपर वगैरह इसको लगा सकते हो। यहाँ पर आप मी ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको कोई भी बूट एनिमेशन वगैरह का को
ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यार ये तो निराशा वाली बात है कि यार बूट एनिमेशन का ऑप्शन देना चाहिए था। बाकी हम थीम्स वगैरह में चले जाते हैं, यहाँ पर ये आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो चीज़ देखने को मिली है वो मिली हमें यहाँ पर एडवांस में, हम जाएंगे यहाँ पर, हम जैसे तो यहाँ पर आपको क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये एक आपको फीचर देखने को मिला है, यहाँ पर आपको क्लॉक कहाँ पर लगानी है ये फीचर आपको स्टेबल में मिल चुका है। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने साइड में लगा दी तो ये यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ पर आप जैसे तो यहाँ पर अभी मैंने थीम को लगाया हुआ इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। अभी एक और अपडेट आएगा जिसमें इसको फिक्स किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। अगर आपने थीम लगाया हुआ है तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर आप जैसे तो मैं थीम में जाऊँगा, यहाँ पर आप कस्टमाइज में जाएंगे, लॉक स्क्रीन में जाएंगे, हम नॉर्मल वाला कर देते अप्लाई। देख सकते हो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला अप्लाई कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ जो अब हमारा लॉक स्क्रीन है वो कोने में आ रहा है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ सही तरह से भाई ये किस तरह वर्क करता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो ये मैंने इसको भाई बीचों बीच लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल मेरा सेंटर में आ गया। बाकी यहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं एक और बार जाता हूँ, अब मैंने ये वाला लगा लिया तो आप देख सकते हो अब मेरा कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो इस तरह से इसका ये फीचर है, ये इस तरह से वर्क करता है। तो ये इसमें चीज़ ऐड की गई है, तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। बाकी हम बात करें कि इसमें और क्या ऐड किया गया, तो यार मेरे को ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा रिसर्चेज नहीं किए गए हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर एक यार आपको ऑप्शन देखने को मिलता वो क्या था, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लूँ, क्या पता दूसरे में हूँ। तो यहाँ पर आपको भाई यार बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिसिंग है। कौन कौन से ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पर आपको ब्लर ऐप प्रीव्यू भी नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख लो ब्लर ऐप प्रीव्यू भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन लेआउट्स में इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल गए हैं। अगर आपके में भी इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो प्लीज़ बताना, वरना भाई मेरे में तो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या यूज़ है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फील सेल ऑफ अनइंस्टॉल एप्स देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट की बात करें तो यहाँ पर 4x6 लगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इधर हो गए आपके, 6 आपके इधर की साइड हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 6 हो जाएंगे। तो इसको भाई चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर पिंच करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप 4x5 लगा सकते हो। यहाँ पर अब यहाँ पर आपके 5 आएंगे, इधर की साइड 4 आएंगे। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। तो सेटिंग में जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और फीचर्स की इसमें और क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। यहाँ पर हम चले जाते भाई डेट एंड टाइम में, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको कोई भी डुअल वोल्टी का ऑप्शन देखने को, सॉरी डुअल डेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि भाई डुअल डेट था, यानी डुअल क्लॉक का, सॉरी डुअल क्लॉक जो होती है। तो यहाँ पर और कुछ ज़्यादा नया नहीं दिया यार, एक ही फीचर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर आपको MI पे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख लो MI पे आप इसमें यूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से। और कुछ भी नया नहीं किया है इसमें, एमरजेंसी SOS का भी फीचर जो ऐड कर दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इनके ऊपर वीडियो चाहिए कि आपको ये कैसे यूज़ करने हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट करोगे तो। यहाँ पर आपका ऐप लॉक डुअल ऐप, डुअल ऐप में आप चले जाओगे, सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता था, वो भी नहीं दिया। तो अभी इसमें एक और अपडेट आना बाकी है स्टेबल में, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यार ये जो वीडियो है भाई, इसमें मैं आपको कुछ ही चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन यार जो जो चीज़ मेरे को दिखी वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उस वीडियो को देखना मत भूलना। यहाँ पर भी एक चीज़ ऐड की जाएगी, वो अभी ऐड नहीं की गई है। यहाँ पर आप देख लो ये बैटरी परसेंटेज का जो ऑप्शन है, बीटा में नहीं देखने को मिलता, स्टेबल में ही देखने को मिलता है। यहाँ से आप इस बैटरी परसेंटेज को हटा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह चेंज कर सकते हो, पहले जो था बैटरी परसेंटेज अलग था, अब बैटरी के अंदर आता है। तो इसको भी चेंज करने के ऑप्शन होता है, वो होता है यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लेआउट्स में। तो देख लेते हैं यहाँ मिलता है नहीं मिलता है, तो यहाँ पर तो नहीं है। नोटिफिकेशन सेट में, हाँ यहाँ पर आप जैसे थे बैटरी इंडिकेटर, तो यहाँ पर आप जैसे तो यहाँ पर आपको ग्राफिक करोगे तो ग्राफिक में आ जाएगा। जैसे अब इस परसेंटेज में करो परसेंटेज आ जाएगा, वही फीचर है। लेकिन यहाँ पर एक फीचर और आएगा कि आपको ये जो आइकन है, यानी कि ये जो दिखा रहा है आपकी बैटरी परसेंट, ये बाहर आनी चाहिए अंदर आनी चाहिए, वो फीचर अभी तक इसमें ऐड नहीं किया गया। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का एक आता है कि आपको MIUI चाहिए या एंड्रॉइड, वो भी नहीं आया। तो ये बहुत सारे फीचर मिसिंग है यार, पता नहीं क्यों यहाँ बस इसमें एक छोटा सा अपडेट उठा के दे दिया कि ओरियो का अपडेट हो गया भैया, और बाकी कुछ फीचर्स नहीं दिए गए हैं। तो यार जो जो मेन फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी यार मेरे को कुछ नया नहीं लगा। यहाँ पर आप देख लो यार थीम, यहाँ पर गैलरी, यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर आपको मंथ व्यू का ऑप्शन जो था वो भी देखने को नहीं मिलता। तो एक बार मैं फोटो क्लिक करके देख लेता हूँ, क्या पता मंथ व्यू आया हो। तो जैसे मैंने कैमरा को भी ओपन कर लिया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी भाई पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको भाई ये सारी चीज़ें सेट करने को मिलती है, कोई भी पोर्ट्रेट वोट्रेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बहुत से लोग सोचेंगे पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट पोर्ट्रेट का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है।
बाकी हम बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक में आपको दिखाता हूँ सेटिंग में, लॉक स्क्रीन में जाएंगे, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी देखने को नहीं मिला है। तो यार मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ भाई, अभी मैंने छोटी छोटी चीज़ों को देखा है, जो मेन मेन चीज़ थी वही बता रहा हूँ। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हिडन फीचर्स बताऊंगा कि क्या क्या आपको नया देखने को मिला है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। इस वीडियो में यार आपको मैंने जो जो आया तो वो बता दिया, बाकी यार मेरे को कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप देख लो यार, मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ। वैसे जो मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सही चल रही है, बाकी यार नॉर्मल है। कैमरा क्वालिटी हल्की सी इंप्रूव्ड है, ज़्यादा भी नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, मंथ व्यू भी आपको देखने को नहीं मिलता, तो यार ये काफ़ी बुरी बात है। और बहुत सारे फीचर आने बाकी हैं, और बाकी यहाँ पर हम देख लेते 3D टच दिया है नहीं दिया, तो यहाँ पर अभी देख लो यार 3D टच भी यहाँ पर अभी मिसिंग है। तो यार कुछ भी फीचर नहीं दिया, हल्के फुचल फीचर दिए, सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया और एंड्रॉयड वर्जन अपडेट कर दिया गया, ओरियो कर दिया गया, और यहाँ पर आपको क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिल गया। तो ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको भाई वेट करना है तो वेट करो, मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ, उसमें बताऊंगा कि आपको क्या क्या नए फीचर्स और देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जो करना, वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।